हेलो एवरीवन एंड सबसे पहले आई एम सो सॉरी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के रिप्लाई नहीं किए चाहे इंस्टा हो या एफबी हो बिकॉज एट प्रेजेंट इंस्टा पे मुझे जिनसे मैं ऑलरेडी चैट करती हूँ जिनसे मैं रिप्लाई करती हूँ उनके मुझे अराउंड 115 या 117 डीएम पड़े हुए हैं और जो न्यू रिक्वेस्ट आई है डीएम की वो भी अराउंड 70 क्रॉस हो गई है. तो मुझे अभी इतने सारे डीएम्स जो है वो चेक करना है इंस्टा पे. तो मैंने बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स को अभी तक के मैंने रिप्लाई नहीं किया है जो कि मैं आज करूँगी. एंड आज है संडे और मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल से वापस. एंड अगेन सॉरी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दी ससुराल में भी ब्लॉग करना हमें अपने ससुराल वालों से मिलाना. तो यार वो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अनकंफर्टेबल हो. उनको आदत नहीं है कैमरा फेस करने की. पहली चीज़ तो मैं कैमरा लेकर ही नहीं गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मोबाइल से भी ब्लॉगिंग करूँ. वो जो तीन चार दिन थे वो मैंने या फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया एक दूसरे के साथ रह करके. तो मैंने सोचा कि नहीं यार इसमें ब्लॉगिंग नहीं इंक्लूड करते. मैं कोशिश करूँगी मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूँगी तो आप मेरे ससुराल वालों को देख सकेंगे. और मुझे दशहरा में फिर जाना है तब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का इंट्रो कराऊँ बिकॉज तब तक मैं भी यूज टू हो जाऊँगी ब्लॉग के. अभी तो मैं भी यूज टू नहीं हूँ. मुझे हार्डली 1 month भी नहीं हुआ है अभी और शायद मैं उन लोगों को भी मतलब मैं खुद ही अभी प्रिपेयर नहीं थी कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ. सो दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की. एंड हम आज मॉर्निंग में संडे मॉर्निंग में ही आ गए थे पुणे और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था मैगी. मैगी की रेसिपी आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे. और अब मैंने घर भर सब क्लीन हो गया है और अब मैं जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने. और आज शैम्पू किया था मैंने और मैं एकदम मेरी पुरानी सी नाइटी पहन के रखी है क्योंकि क्या होता है ना जब हम जर्नी से आते हैं तो ऐसा लगता है एकदम कंफर्टेबल सा कपड़ा पहने और नाइटी जितनी पुरानी होती है उतनी कंफर्टेबल होती है. तो ये कॉटन की बहुत ही पुरानी सी नाइटी थी तो मैंने कहा अभी यही पहन लेती हूँ. तो ये पहन करके रखा है. अब बस जा रही हूँ मैं लंच प्रिपेयर करने और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ थोड़ी बहुत सी चीज़ें लाई हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे चूड़ियाँ बैंगल्स अच्छी लगती है. वहाँ की जो डिज़ाइन है वहाँ की कुछ ज्वेलरीज मुझे ज्वेलरी की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ राजस्थानी पैटर्न की ज्वेलरीज मिलती है और मुझे राजस्थानी पैटर्न की ज्वेलरीज बहुत पसंद होती है. तो मैं कुछ लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ में इसी व्लॉग में शेयर करूँगी. कम ये मेरी बेटी बाबू आपके हेयर बहुत बढ़ गए हैं ना फ्रंट के. अब नहीं कटाएगी लेकिन मम्मा. ओके ओके आपने लिप्स पे क्या लगाया है? क्या लगाया? क्रीम. क्रीम नहीं था वो. क्या था? लिप बाम था. लिप बाम. लिप बाम लगाया है? मैगी कैसी लगी आपको? अच्छी. मैगी अच्छी लगी टिम टिम को. मैगी की रेसिपी अब आप देखेंगे वॉइस ओवर के साथ. तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको और मैं दिखाऊंगी कि मैं वहां से क्या लेकर आई हूँ. बाय. तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया. वैसे तो मैं आपको मैगी की रेसिपी बता रही हूँ जो कि आई थिंक सबको आती होगी बनाने बट स्टिल मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं बताऊँ कि मैं किस तरीके से मैगी बनाती हूँ. तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना रहे हैं तो फिल्म कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपको लेना है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल. उसमें डालना है थोड़ा सा जीरा फिर लहसुन और मिर्ची. मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. मैं मिर्ची कम डालती हूँ क्योंकि टिमटिम खाती है और टिमटिम ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकती. और ये जो मैं मैगी बना रही हूँ इसमें आप जितनी भी वेजिटेबल्स डालना चाहें जितने टाइप्स की सब डाल सकते हैं. फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला है प्याज. अब इन दोनों को अब इन सारी चीज़ों को हमको मीडियम फ्लेम में भूनना है मतलब जब तक थोड़ा सा कलर आ जाए तब तक. फिर उसके बाद में मैंने इसमें डाला है मटर. और मटर के साथ ही आप चाहें तो आप बीन्स डाल सकते हैं कैरेट डाल सकते हैं इसमें बट वो सब अभी नहीं था दैट्स व्हाई मैंने नहीं डाला. फिर मैंने इसमें टमाटर डाला और थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक डाला. सॉल्ट आपको बिल्कुल कम डालना है क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है. और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको कवर करके रख देना है. फिर थोड़ी देर के बाद आफ्टर 3 to 4 minutes के बाद आपको इसको ओपन करके देखना है और देखना है कि जो मटर और ये टमाटर प्याज या फिर जो भी वेजिटेबल्स आपने डाली है वो अच्छे से पका है कि नहीं. जब वो थोड़ा पक गया होगा पूरी कम्प्लीटली आपको उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं. थोड़ा हल्का रॉ भी अच्छा लगता है मैगी के साथ में. और जब वो हल्का सा पक चुका होगा उसके बाद में आपको इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देने हैं. आप चाहें तो मैश करके या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं बट हम लोगों को ऐसे क्यूब्स अच्छी लगती हैं पनीर की.
तो दैट्स वाई मैंने इसमें पनीर डाल दिया। मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम चीज़ों में पनीर वगैरह थोड़ा डालूँ, क्योंकि तुमने मिल्क बहुत मुश्किल से पीती है और बहुत कम पीती है, तो पनीर और चीज़ ये सारी चीज़ें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके खाने में मैं इंक्लूड करके रखूँ। फिर पनीर डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा हमको फ्राई करना है, और फिर फ्राई करने के बाद में मैगी डालनी है। मैंने यहाँ पे मैगी के 3 बार लिए हैं, तो 3 पैकेट जो मैगी मसाला है 3 पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी मसाले का। और फिर उसके बाद में इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ करीब 1.5 ग्लास पानी लिया उसको पकाने के लिए। इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और पानी में मैं हल्का सा बॉईल आने दूँगी, और बॉईल आने के बाद में हमने इसमें ये जो मैगी के बार्स हैं ये डालना है। और मैगी के बार्स को अच्छे से पूरे पानी में हमें डिप कर देना है, और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम में रख देना है, और इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहना है कि जो मैगी के टुकड़े हैं वो कम्प्लीटली पानी में डिप हो रहे हैं कि नहीं, अब भीग रहे हैं कि नहीं, और बस ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आपकी जो मैगी है वो कम्प्लीटली अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए मेरी मैगी बिल्कुल रेडी है। इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल कोरिएंडर लीव्स नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने नहीं डाला। और वेजिटेबल्स लेने मुझे जाना था, और बस उसके बाद में सर्व कर दें आप। और सर्व करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा जो ग्रेटेड चीज़ होता है वो डाला था, बिकॉज टिमटिम को थोड़ा चीज़ पसंद भी है, एंड एज आई सेड कि वो ज़्यादा मिल्क वगैरह नहीं पीती है, तो मैं चीज़ और पनीर ये सब चीज़ें उसके डाइट में इंक्लूड करके रखती हूँ। आवाज़ भी नहीं प्लीज़। सो मॉर्निंग के बाद अब मैं डायरेक्ट इवनिंग में आपसे बात कर रही हूँ, इवनिंग टी प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। और आप लोगों से बात करने के बाद में, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने, तो मैंने बनाया था दाल बाटी, जिसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगी यहाँ पर। रेसिपीज लेनी शेयर की, क्योंकि पहले बता चुकी हूँ मुझे अच्छे से नहीं आती दाल बाटी बनाने, बस मुझे नहीं शेयर करना जब मैं खुद ही अच्छे से नहीं बना पाती हूँ तो। और बस चाय पीते हैं, फिर हम जाएंगे बाहर, बाहर चलना है ना। हाँ, फिर हम जाएंगे बाहर। ऐसा कुछ खास नहीं लेना है, फिर भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या। और मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लाई है ससुराल से, शायद रात में दिखाऊंगी यार, क्योंकि अभी मेरा बैग भी मैंने ओपन नहीं किया है, और कॉम्ब वॉम कुछ नहीं किया, बस हेयर वॉश किया था, और वही पुराना सा नाइट सूट है, नथिंग एल्स। टिमटिम भी जस्ट अभी उठी है, तो उसको भी हम मिल्क वगैरह कुछ पिलाऊंगी मैं, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। दैट्स इट, बाय। सो आई एम रेडी, और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कुछ भी खास नहीं लेना है, ऐसी थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी है, क्या लेनी है वो मैं आकर के दिखाऊंगी आपको। एंड आज मैं ये चेंज करूंगी, बिकॉज सारी ड्रेसेस पे इतने बड़े बड़े गोल्ड के इयर रिंग्स नहीं अच्छे लगते। आज शाम को मैं, रात को आई मीन, चेंज कर दूंगी। शाम तो हो चुकी है, इनफैक्ट 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो अब रात भी होने ही वाली है। और
टिमटिम एंड उसके पापा हैं नीचे प्ले एरिया में पार्क में, बिकॉज टिमटिम को थोड़ी देर पार्क में खेलने देना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो बस पार्क में खेल रही है अभी। और बस अब मैं जाऊँगी एंड उन लोगों को, मतलब हम तीनों फिर चले जाएंगे। और आज हम लोग जाएंगे बाइक से क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है बाहर का, सो दैट्स व्हाई मैं एक स्टोल हमेशा कैरी करती हूँ अगर हम बाइक से जाते हैं तो, क्योंकि मैंने आज ही हेयर वॉश किया है। अगर मैं ऐसे ही चले जाऊँगी तो मेरे पूरे हेयर गंदे हो जाएंगे, ऐसे ही इतने ड्राई हैं और पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे एक स्टोल लेके अपने पूरे हेयर अच्छे से कवर कर लेती हूँ अगर हम बाइक से जाते हैं तो। तो आज जाने वाले हैं बाइक से, दैट्स व्हाई मैंने रख लिया है मेरा स्टोल और बिल्कुल सिंपल सी रेडी हो गई हूँ, आपने भी देखा। चले फिर और बाइक से जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मैं वो कार वाली ब्लॉगिंग करूँगी, बट मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी मोबाइल से शूट करने का बाइक में पीछे बैठ के। चलिए ठीक है फिर निकलते हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स भी लेने हैं, तो ठीक है फिर चलते हैं, फिर वापस आके मैं आपसे बात करती हूँ। बाय। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो कि मैं जावरा से लेकर आई हूँ, तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्ल का सेट है, वो लाई हूँ मैं। और मैं एक्चुअली ऑनलाइन ये सारी चीज़ें देखती रहती हूँ, तो ऑनलाइन मैंने इस टाइप की चीज़ें बहुत कॉस्टली देखी थी और ये सेम चीज़ मुझे वहाँ बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में मिल गई। और इसके जो ये डायमंड्स की जो फिटिंग है, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से की गई है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, साड़ी वगैरह पहनो या लहंगा वगैरह पहनो तो उस पर पहनने के लिए, तो मैंने ये लिया है। और इसके साथ में ये इयर रिंग्स है, ये दोनों इयर रिंग्स हैं। मैं एक्चुअली जब भी वहाँ जाती हूँ तो ऐसी चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि क्या होता है फेस्टिवल्स आने वाले हैं अभी, तो इतनी साड़ियाँ वगैरह पहननी है तो उस पर ये काम आएगा। ये 300 के अराउंड था, 300 के आसपास था, और पर्ल्स की क्वालिटी और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया था। ओके, तो फर्स्ट चीज़ थी ये प्यारा सा नेकलेस, मैंने किसमें रखा है, अच्छा इसमें शायद। ओके, इसके बाद में मैंने ये एक लाख की चूड़ी का कंगन का सेट लिया है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ये देखिए, एक तो मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, रेड एंड येलो का कलर कॉम्बिनेशन, और इस पर मुझे ये मिल रहा था तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, ये 100 रुपीज़ का है। सिंगल कड़ी भी पहनना है तो उस पर भी अच्छा लगेगा, या फिर अगर ढेर सारी चूड़ियों के साथ या ढेर सारे लाख की चूड़ियों के साथ पहनना है तो ये पहन सकते हैं। यहाँ पर भी इसमें डिजाइनिंग्स है, तो मैंने ये लिया एक। ओके, इसके अलावा मैंने दो तीन चूड़ियों के सेट और लिए हैं, वो दिखाती हूँ मैं पहले आपको, फिर दूसरी चीजें दिखाऊंगी। ये देखिए, थोड़ी और भी मैंने लाख की चूड़ियाँ ली है ये, लेकिन मैं ओपन नहीं करूंगी। ये मैंने लिया है पिंक में, देन ग्रीन में,
देन ये पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, मैं ग्रीन पिंक नहीं है रेड है सॉरी फर्स्ट वन, मैं ये सोच रही हूँ कल पहनूंगी, कल मंडे है ना और कल सावन का एक्चुअली फर्स्ट मंडे है और मैं फर्स्ट मंडे मतलब मैं सावन के मंडे जो होते हैं वो फास्ट करती हूँ, तो ये वाली ग्रीन चूड़ी मैं सोच रही हूँ कल पहनने के लिए। तो ये इतनी लाख की चूड़ियाँ लाई हूँ मैं और इसके अलावा एक और लाई हूँ ये पिंक कलर की, ये बहुत प्यारी है, आपको बहुत पसंद है पिंक, लेकिन बेटा ये आपको तो बहुत बड़ी होगी, जब आप बड़ी हो जाओगी ना तब आप ले लेना, ठीक है ओके डन। और ये मेरा ये पहन के जाऊंगी ना, हाँ ठीक है ये भी पहन लेना आप। फिर उसके बाद में मैं लाई हूँ मेरे लिए ये रखड़ी, मुझे एक्चुअली इस टाइप की रखड़ी चाहिए थी और मैंने ऑनलाइन भी देखा था बट ऑनलाइन इस टाइप के बहुत महंगे थे 400 के आसपास ही, देखिए इस टाइप का कुछ होगा ये ऐसा समथिंग, तो फेस्टिवल वगैरह में पहनने के लिए करवा चौथ या तीज में पहनने के लिए ये मैंने लिया है और ये 200 के आसपास है, बिल्कुल राजस्थानी जो राजपूती पैटर्न होता है उसका था ये, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। फिर मुझे ये एक बहुत ही यूनिक सी साड़ी फिन दिखी थी, बस 20 रुपीज की थी तो मैंने ले लिया, ये ऐसी है मतलब ये ऐसे ओपन होती है जैसे पेन ओपन होता है वैसे, और फिर यहाँ आप इसे ऐसे करके अपनी साड़ी में लगा लें और फिर नीचे से इसे जैसे पेन का ढक्कन बंद करते हैं वैसे बंद कर दें, तो ये बहुत ही अच्छी सी लगी थी मुझे तो मैंने ये ले लिया था, अच्छी है ना। यहाँ सब वेट कर रहे हैं कि मैं कब वीडियो बंद करूँ तो सब सो जाए। इसके बाद मैं एक बहुत सुंदर एक ब्रेसलेट बोल सकते हैं बट एक्चुअल में ये ब्रेसलेट नहीं है, ये है राजपूती हाथ में पहनने वाला, राजपूत लोग इस टाइप का पहनते हैं गोल्ड का, बट ये मैं आर्टिफिशियल लाई हूँ और ये बहुत ही सुंदर दिखता है हाथों में, साड़ी वगैरह पहन रहे हैं अगर तो सिंगल सिंगल भी अगर इसको इस तरीके से पहन लो तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए, तो इसलिए मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और ये भी 200 के आसपास का था, उससे महंगा नहीं था। अच्छे से जूम करके देखो, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ऐसे, बस सिंगल सिंगल इसे हाथ में पहन लो इस टाइप से, यहाँ अंदर इसमें ये मखमल का वेलवेट का कपड़ा लगा है। इसका भी वीडियो बनाओ, ये मैंने टिमटिम के लिए लाया है ना बाबू, ये टिमटिम के लिए ओके। वाह पापा ने आपको ये ड्रेस पहना दी है, आपकी तो वो वाली ड्रेस मैंने रखी थी नाइट सूट, ठीक है इतना ये हुआ, बस इतना ही लाई हूँ मैं, यस बस इतनी चीजें थी जो मैं लेकर आई इस बार और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और हाँ थोड़े बहुत अचार वगैरह जो मम्मी ने बना करके रखा था बस यही लाई हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ कैमरा बंद और ब्लॉग भी बंद क्योंकि अभी मैं ये डेटा लूंगी और अभी रात में बैठ के मैं इसे एडिट करूंगी ताकि कल मैं आप लोगों को ये वीडियो दे पाऊँ, बिकॉज मैंने आज ही लोगों को बोल दिया है कि मंडे को आने वाला है वीडियो, तो आप लोग भी वेट करेंगे, सो दैट्स व्हाई वीडियो अभी मैं कर रही हूँ बंद और कल मिलते हैं, कल फिर से मैं ब्लॉग करूंगी, कल मेरा फास्ट रहेगा मंडे का, तो ठीक है फिर बाय बाय गुड नाइट, टिमटिम गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट इधर आके, गुड नाइट और क्या बोलते हैं, स्लीप टाइम और आप आज क्या बोल रही थी, सब्सक्राइब कर देना, क्या बोल रही थी चलिए ठीक है बाय बाय।